हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन एज यूजुअल। सो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है होम स्कूलिंग साइंस बुक कलेक्शन पर। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अमायरा सीज 4+, और उसकी होम स्कूलिंग मैं कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। तो ये जो बुक कलेक्शन है, ये एज कैटेगरी अगर आप बच्चे के लिए लेना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं 4 to 8, मीन्स इवन थर्ड क्लास में भी अगर आपका बच्चा है, क्योंकि इसमें कुछ बुक्स हैं जो थर्ड क्लास के बच्चे के लिए हैं, जैसे ये है। तो इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है। ओके, तो अभी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप एज वाइज देखेंगे तो ये जो बुक है ये ईवीएस की बुक है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके लिए पर्टिकुलर अलग से साइंस की बुक नहीं होती है, ईवीएस में ही उनके आप समझ सकते हैं कि साइंस की बुक होती है। तो ये मेरे पास है। ये अगर आपका बच्चा किंडरगार्डन में 4 ईयर 5 ईयर का है या फर्स्ट में भी है, तो इसमें क्योंकि फर्स्ट रिटर्न है तो आप इस तरह की बुक ले सकते हैं। इसमें टॉपिक जो कवर हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये बुक लीजिए, मेरे पास ये बुक अवेलेबल थी तो मैंने ये इसे यूज कर लिया है। इसमें जैसे टॉपिक्स हो गए आपके, माई सेल्फ, आर बॉडी, आर फैमिली, आर होम्स, आर स्कूल, द स्काई एंड द अर्थ, एयर एंड वाटर, प्लांट्स अराउंड अस, एनिमल्स अराउंड अस, फूड एंड क्लोथ्स, मूविंग अराउंड, गुड हैबिट्स एंड मैनर्स, आर सेफ्टी। ठीक है, इन्हीं के बारे में गिवन है। बिल्कुल बेसिक सी है, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर आपका छोटा बच्चा है, अगर किंडरगार्डन में, तो आप इस तरह की बुक ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, बोर्ड बुक है। देखिए इसमें ये एक्चुअली आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं, तो ये मेरी डॉटर्स को बहुत पसंद आती है। वो अंदर तक ऐसे पूरा बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं, अंदर तक घुस जाती हैं ऐसे, इस तरह से, ये देखिए। और इसी यही रीज़न है कि ये जो बुक है वो कॉस्टली है। ये तो पूरा बहुत अच्छे से इसमें जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारे लंग्स हैं, हार्ट है, रिब्स हैं, पूरा इसमें समझाया हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं ओपन करूँगी। ओके, नेक्स्ट जो बुक मैंने बाय की थी, इस पर बाद में आएंगे क्योंकि ये बुक मैंने बाद में बाय की थी। तो मैंने जो बुक बाय की थी, मैंने एक्चुअली बच्चे को किंडरगार्डन में हम सिखाते हैं बॉडी पार्ट्स, है ना, बॉडी पार्ट्स के नेम, तो ये बुक मैंने ली थी। अगर आपका छोटा बच्चा है ना और आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें के बारे में उसे पढ़ाइए जिनके बारे में उसे पता है, उसे इंटरेस्ट आए, है ना, जैसे उसके ब्रेन के बारे में, उसके फिंगर्स के बारे में, उनके हार्ट के बारे में, आइज़ के बारे में, तो ये फैक्ट की बुक है ह्यूमन बॉडी की। इसमें क्वेश्चन हैं बेसिकली, हाउ, What, why and when, इस तरह से देखिए। इसमें स्टार्टिंग में आपको यहाँ पूरी लिस्ट मिल जाती है, ठीक है, देखिए यहाँ पे गिवन है व्हाट, व्हेन, व्हाई, जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, हमारे टीथ चैटर क्यों करते हैं, हमारे हेयर्स ऐसे ये पे खड़े क्यों होते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, आईज का कलर ऐसे क्यों होता है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, एमी ने आई थिंक 4, 5, 6, 7 टाइम्स पढ़ी है इस बुक को। इसके अलावा मैंने एमी को पढ़ाया था सोलर सिस्टम के बारे में, तो फिर मैंने ये बुक बाई कर ली थी उसके लिए। सेम उसी पैटर्न की बुक है, सोलर सिस्टम की, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, है ना, सेम उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं, हम बच्चे को किंडरगार्डन में पढ़ाते हैं, है ना, प्लैनेट सिस्टम के बारे में, ये प्लैनेट है, ये अर्थ है, तो इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते हैं जो आपका बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया हमारे पास और नेचर हो गया, है ना, ये दोनों चीज़ें भी क्या हैं, बच्चे को इंटरेस्ट टिंग लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि इसमें नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, सन ऐसा क्यों होता है, स्नो कैसे बनती है, रेन कैसे होती है, बर्ड्स जब यहाँ पे वायर पे बैठते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, देखिए इसमें एक दो लाइफ साइकिल भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इसमें भी पूरा ये कॉन्टेंट आपको दिया होता है। सॉरी, मैंने सोलर सिस्टम वाले का दिखाया नहीं है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। जैसे कि इसमें आप देखेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ठीक है। उसके अलावा जैसे प्लांट्स, अब प्लांट्स हमारे आसपास होते हैं और प्लांट्स की इंपॉर्टेंस बच्चों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये एक प्लांट की बुक ली। मीन्स ऐसी चीज़ लीजिए जिससे आपका बच्चा रिलेट कर पाए, ऐसे नहीं है कि कुछ भी पढ़ाने लग जाए आप बच्चे को। और मैं एक एज क्राइटेरिया कभी भी नहीं मेंशन करती हूँ कि ये 4 ईयर के लिए ही है या 5 के लिए, एक
एक क्राइटेरिया होता है पूरा मेरा, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरी 4 ईयर की डॉटर कर रही है तो आपको 4 ईयर का बेबी ही इन बुक्स को करेगा। नहीं, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की लर्निंग जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है। इसलिए मैं एक ना एक रेंज देती हूँ कि इस रेंज से इस रेंज के बच्चों तक के लिए ये अच्छी बुक्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइंस। ये बुक मैंने ली थी जब एमओ ऑलमोस्ट 3.5 की हो गई थी, उसके बाद ये और ये, क्योंकि इस बुक्स में है साइंस, इसमें कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट हो गए। जैसे अपने टाइम में होते थे ना, हम चेयर को ऐसे ऐसे करते थे किसी क्लॉथ से तो उसमें स्टैटिक करंट आता था, या फिर जैसे टेफलन लेयर ये क्यों होती है नॉन स्टिकी जो होता है, और जैसे कॉम्ब वाला ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते थे पेपर से ऐसे स्टिक होता था, तो इसमें वही सब चीजें हैं। लोक कैसे ओपन होता है ना, हमारी शेडो बनती है क्यों बनती है, रेन कैसे बनता है, मिरर में हमारी इमेज उल्टी क्यों होती है, तो ये बहुत उसे ना अच्छे लगते थे ये चीजें। तो ये इसलिए मैंने ये बुक बाय की थी, और इसके साथ साथ मैं ना उसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी ट्राई कराती थी। नेक्स्ट जो बुक ली थी वो मैंने ली थी इन्वेंशन के लिए, जिससे कि बच्चे को पता चले कि हाँ पहले के टाइम में ऐसी चीज होती थी, फिर वो इन्वेंट हुई और नई चीजें बनी। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इसका कंटेंट। जैसे इसमें कि पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, फायर नहीं थे, ओल्ड टाइम में लोग कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने इन्वेंट किया ये व्हील का इन्वेंशन, और वो वही सब चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो डिटेल में नहीं है, सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस एंड उनका आंसर है। ये अबकस के बारे में देखिए जो आजकल बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, है ना, मैसेज टाइप, बल्ब का इन्वेंशन, ये कैसे व्हील बना, और फिर कैसे ट्रेन बनी, कैसे फर्स्ट एरोप्लेन बनी, टीवी बना, तो इसी तरह की चीजें हैं इसमें अच्छी अच्छी जो आपके बच्चे को ना और ज्यादा क्रिएटिव बनाएंगी, अगर आप इस तरह की चीजों से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएंगे। साइंस वाली बुक का आई थिंक मैंने ये भूल गई थी मैं, देख लीजिए आप। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मेरी अपने पैसों की बुक बाय की है मैंने। ये 2 बुक्स मैंने ली थी, मैं बताती हूँ, ये साइंस का ही पार्ट है, रिसाइकलिंग एंड हेल्दी ईटिंग। इनका रीजन ये था कि मैं जब उसको रीडिंग करवा रही थी तो मैं चाह रही थी कि उसके लेवल 1 से लेवल 2 एंड 3 पे मैं उसकी रीडिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव करूँ, उस पर्पज से मैंने बुक बाय की थी। बहुत सारी ऐसी बुक होती हैं, फिर मैंने चूज किया था कि इसमें जैसे इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, है ना, ईटिंग वेल, बैलेंस डाइट, विटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी, ग्रोइंग, आप ये देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे गिवन है, तो बच्चा एक तो इनसे पढ़ेगा, उसकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, दूसरा क्या होगा कि बच्चे की जो साइंस से रिलेटेड है और जो हेल्दी अनहेल्दी फूड के बारे में इंफॉर्मेशन है वो उसे मिलेगी। ठीक है, तो ये अच्छी बुक है। ऐसे ही मेरे पास ये दूसरी बुक थी, ये मैंने रिसाइकलिंग की बुक ली थी, ये लेवल 3 था, जिसमें वेस्ट, रबिश, एनर्जी, जिससे बच्चे को पता चलता है कि हम थिंग्स को रीयूज कर सकते हैं, हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। प्लास्टिक प्रॉब्लम, ग्लास, मेटल, ये सब फूड रिसाइकिल हो सकते हैं या उनसे क्या बन सकता है, तो वही सब चीजें हैं इसमें। आप देखेंगे कि ये 2 लेवल था, तो इसमें जो वर्ड्स थे ना वो थोड़े से मोटे थे, 3 वाले में थोड़े से स्मॉल हो जाते हैं। ओके, ये देखिए पेपर, पेपर का कैसे रिसाइकिल होता है, प्लास्टिक चीजें हैं ये, ग्लास, मेटल, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल, फूड पैकेजिंग, तो ये सारी चीजें थी इस बुक में, दैट इज व्हाई आई बॉट इट। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट मैंने ये एक और बुक बाय की थी, ऑब्वियसली ईवीएस के लिए ही की थी, इसमें क्लास 3 मेंशन है, बट मैंने अम्मी को ये बुक करवा दी है 2-3 टाइम्स। इसमें क्या है कि जो भी चीजें मैंने उसे कराई है उसी से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे माई फैमिली, माई बॉडी, आवर सेंसेस, है ना, वर्क वी डू, कम्युनिटी हेल्पर, वो सब आते हैं इसमें, गेम्स वी प्ले, प्लांट्स, लीव्स, एनिमल्स, वाटर, कुकिंग, वही सब चीजें हैं। अबाउट एयर, हाउसेज, यहाँ पे सन, सीजन बनते हैं, क्लोथ्स वी वियर, हाउ वी ट्रेवल एंड कम्युनिकेट, तो वही सब चीजें हैं, ईवीएस की ही है ये। जैसे कि मैंने बताया कि छोटे बच्चों के लिए स्टार्टिंग में साइंस नहीं ईवीएस ही होती है, और इसमें ऐसे है, और लास्ट में फिर इसमें
ये माइंड मैप गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आप बच्चे से पूछ सकते हैं, और कुछ इस तरह के काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज भी गिवन हैं जो कि आप बच्चे को करा सकते हैं। उन सब के अलावा जो बुक्स मैंने एमओ के लिए ली थी, एक्चुअली मैंने ये बुक बाय नहीं की थी, मैंने कहीं से ये बुक ऐसे ही अरेंज करी थी क्योंकि ये कैम्ब्रिज बोर्ड की थी, तो मैं चाहती थी कि मैं उसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूं। तो इसमें ये टेक्स्ट बुक है, लेवल 2 है इसका, मीन सेकेंड क्लास के लिए है ये, और इसमें ये सारी चीज़ें गिवन हुआ। इसका कॉन्टेंट आप देखेंगे, जैसे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वेदर एंड अस, रॉक्स, चेंजिंग मटेरियल, लाइट एंड डार्क, डे एंड नाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे। फिर अच्छे से इन्हीं सब के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, काफ़ी अच्छी बुक है, विद फोटोज एंड बहुत डिटेल में ये समझाया हुआ है इसमें। और इसके लिए एक वर्कबुक भी होती है, ये है इसकी वर्कबुक, जैसे इसमें फिर आप बच्चे से कुछ एक्टिविटीज करवा सकते हैं ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर है लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का, तो आपको बताना है कि आप नियर बाई क्या देखते हैं, क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है, इसी तरह से इसमें एक्टिविटीज हैं, ठीक है, कहीं पे कोई पेस्टिंग का, कहीं पे मैचिंग का, कहीं पे कुछ राइट करना है, तो इसी तरह से ये है। ये है कैम्ब्रिज 3 टेक्स्ट बुक, ये भी एमओ पढ़ चुकी है, काफी अच्छी बुक है, इसमें ऐसे लगता नहीं है कि बहुत हैवी भारी भरकम वाला इसका सिलेबस है। इसमें भी अगर आप देखेंगे, देखिए ये भी लिविंग थिंग्स एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस, मीन्स वहाँ पे बच्चे ने, हम स्टार्टिंग में LKG में या किंडरगार्टन में, फर्स्ट में हम बच्चे को सिखाते हैं है ना, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, फिर उनके बारे में और डिटेल में समझाते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उन्हीं के बारे में और ज़्यादा आगे की चीज़ें होती हैं, उसकी लाइफ प्रोसेसेस वो सब यहाँ पे है। फिर उन्हीं की शॉर्टिंग एक्टिविटीज़, फिट फॉर लाइफ मीन्स बैलेंस डाइट वाला चैप्टर आ जाएगा, ये अबाउट प्लांट्स है, ये मटेरियल ऑल अराउंड अस, पुश, तो मींस अब ये जो थर्ड क्लास आ गया, तो इसमें डिवाइड हो गया है, जैसे पुश एंड पुल वाला फिजिक्स का चैप्टर होता है ना, इसमें फिजिक्स, स्टार्टिंग में नॉन लिविंग वाला बायो का चैप्टर होता है, तो वो सारे इसी एक ही बुक में है, ठीक है, छोटे बच्चों के ऐसे ही होता है। ये देखिए, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें गिवन है, इसीलिए बच्चे का मन करता है ये सारी चीज़ें पढ़ने का। और एमओ की तो साइंस फेवरेट है, तो आप अगर बच्चे को साइंस बुक का अगर कोई भी है या हिस्ट्री बुक है, तो आपके बच्चे का ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है। क्यों बनता है मैं रीज़न बताती हूँ, अगर आप बच्चे को मैथ देंगे, कोई रीडिंग करना देंगे, बच्चे को वो बोरिंग लगता है, राइट, मैथ में दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। साइंस हुई या फिर हिस्ट्री बुक, इस तरह की जो बुक्स होती हैं उसमें बच्चे को, स्टोरीज हुई, उसमें बच्चे को सुनना पड़ता है, और बच्चे को सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें सिर्फ सुनना होता है, हमें उन्हें पढ़ाना होता है, तो जो भी एनर्जी लगती है वो सारी हमारी लगती है, ठीक है। तो अभी ये है इसकी वर्कबुक थर्ड क्लास वाले की, तो इसमें ऐसे ही ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आप बच्चे के साथ मीन्स ये सब करा सकते हैं, है ना, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ पेस्टिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट मैंने ये और 2 बुक्स बाई करी थी, 108 साइंस फैक्ट की, क्योंकि मैंने जो लिटिल वाली साइंस की बुक ली थी ना, उसके बाद वो अब वो काफ़ी बार पढ़ चुकी हैं, तो मुझे कुछ नया इंट्रोड्यूस कराना था, तो मैंने ये बुक ली और ये बुक ली। ये दोनों बुक उसने अभी नहीं पढ़ी हैं, बाकी की जितनी बुक्स हैं वो सारी वो पढ़ चुकी हैं 2-3 टाइम्स, और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो वो 4-5 टाइम्स भी पढ़ चुकी हैं। तो ये दोनों मैं जब उसको एक्चुअल में कराऊंगी, उसके बाद मैं आपके साथ ना अगेन इनका रिव्यू जो भी है कि कैसे है वो शेयर करूंगी। मुझे अच्छी लगी, बाय फोटो वगैरह आप वो देख सकते हैं, इसलिए मैंने बाय किया, इनके रिव्यूज अच्छे थे और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, है ना। तो ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट 2 बाय करी थी, ये मैपल ट्री की है आई थिंक, एंड ये ड्रीमलैंड, तो इनकी और भी बुक्स होती हैं, लेकिन वो मैं बाय करूंगी कि ये कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग बाद में ना। तो वैसे ही पैटर्न है, बस थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, डिफरेंट राइटर है तो कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, है ना। यस, सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे, अगर रहे, एंड इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।